जिला पुलिस कप्तान प्रदीप शर्मा के कुशल निर्देशन में जिला पुलिस द्वारा अपराधियों की धरपकड़ लगातार की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजगढ़ नवल सिंह सिसोदिया एवं एसटीओपी नरसिंहगढ़ भारतेंदु शर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कुरावर उप निरीक्षक राम नरेश राठौड़ द्वारा जिले में नाबालिग बच्चों की दस्तियाबी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्यवाही की गई है। थाना कुरावर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम शिवपुरा निवासी फरियादी ने सूचना दी कि दिनांक 7 अगस्त 2019 को उनकी नाबालिग लड़की घर से बिना बताए कहीं चली गई, जो वापस नहीं आई। घर वालों ने शंका जाहिर की थी कि आरोपी संजू अहिरवार निवासी झाड़किया का लड़की को बहला फुसला कर शादी का झांसा देकर भागा कर ले गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना कुरावर में अपराध क्रमांक 304/19 धारा 363 भादवी का कायम कर विवेचना में लिया गया था। तकरीबन एक साल से नाबालिग की तलाश के हर संभव प्रयास पुलिस टीम द्वारा किए जा रहे थे। तभी दौरान विवेचना सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी संजू अहिरवार नाबालिग लड़की को अपने साथ तीज बल्डी मंदी तरफ लेकर जा रहा है। सूचना पर कार्यवाही करते हुए नाबालिग लड़की को दिनांक 15 जुलाई 2020 को दस्तियाब किया गया। साथ ही आरोपी संजू पिता मनोहर अहिरवार उम्र 22 साल निवासी ग्राम झाड़किया थाना कुरावर जिला राजगढ़ को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण नाबालिग बालिका से जुड़ा होने से मामला में कई विधिवत धारा लगाई गई है और आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। राजगढ़ से मुकेश अहिरवार की रिपोर्ट। करीब एक साल पहले शिवपुरा की फरियादी ने आगे बताया कि उसकी बच्ची उम्र करीब 14 साल है, जो कोई व्यक्ति उसको बहला फुसला कर ले गया। इस पर से थाना आया में अपने कर्म कुरावर थाने में अपराध क्रमांक 304 अपने प्रदेश धारा 363 की कार्य की गई और उसने ये भी बताया था कोई संजू है झड़किया था, तो शायद उसमें शंका जाहिर की थी। तो जब से ही उसकी तलाश चल रही थी वो नहीं मिल पा रहा था, तो काफ़ी प्रयास किए। अभी जो अभियान चल रहा है इसमें हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सख्त निर्देश है, सुबह शाम दोनों टाइम पूछा जाता है कि जो नाबालिग बच्चे बच्चियाँ हैं उनकी दस्तियाबी पर विशेष अभियान चलाया होगा। तो इसी में कल सूचना मिली कि एक जो संजू है वो एक बच्ची को लेके तीज बल्ली के तक जा रहा है। तो सूचना में गए, उसको पकड़ा, बच्ची को दस्तियाब किया। तो बच्ची ने बताया कि ये संजू ले गया था उसको बहला फुसला कर दिया, तो बस को संजू को गिरफ्तार किया। उसमें धारा 363 366 376 376 दो और 5/6 के बच्ची अभी भी नाबालिग है, पास को एक्ट का इजाफा किया गया, उनका मेडिकल करा गया और उसको न्यायालय पेश किया गया है। अभी न्यायालय पेश करके उसको जेल दाखिल कर देंगे। बच्ची दस्तियाब हो गई, अभी उसका 164 का कथन करा देंगे, वो भी आज करा लिया जाएगा। आपने क्या कार्रवाई की? अभी हम यहाँ पे इंगोरे चौपाटी पे स्पॉट फाइंड टीम के साथ में खुद यहाँ पे उपस्थित हूँ और चौपाटी की सारी दुकान पे जाकर के हमने समझाई की है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, सभी ग्राहक जो है दुकानदार के साथ ग्राहक जो भी आए वो मास्क पहने हो। कुछ दुकानों पे जहाँ पर दुकानदारों ने मास्क नहीं लगाए तो हमने जो है फाइन भी किया है। चालानी कार्रवाई कर रही है, कार्रवाई की है, दो दुकानों पे 1,000 रुपये का हमने फाइन भी किया है अभी। और उसके अलावा अभी लोगों में जागरूकता भी है, सभी लोग बात भी मान रहे हैं और यही कार्रवाई हम लोग यहाँ पर अभी कर रहे हैं।